Hey everyone, you all watching me again, Radhika. So in this video I'm gonna tell you conjunction about as far as and as soon as. Okay, दोनों ही बहुत similar लगते हैं बोलने में, इसलिए मैंने साथ में ही इनका video बना दिया. तो चलिए फटाफट से इनका examples देख लेते हैं. Let's start. Come to first, as far as. Okay, so as far as उसके साथ always concerned लगता है. As far as का हिंदी मीनिंग है जहाँ तक, और concerned मीनिंग है हिंदी प्रश्न है या सवाल है. ओके, एग्जांपल देखिए. जहाँ तक मोहन का प्रश्न है वह गाली नहीं देता. तो फर्स्ट सेंटेंस है, जहाँ तक मोहन का प्रश्न है. तो इंग्लिश में बनाएं, जहाँ तक के लिए हम लगाएंगे as far as. ओके, तो मोहन का प्रश्न है, सो मोहन इज़ कंसर्न्ड. नेक्स्ट, वह गाली नहीं देता, तो ये सिंपल टेंस फॉर्म में बनेगा, ही डज नॉट अब्यूज. ओके, एज फार एज मोहन इज़ कंसर्न्ड, ही डज नॉट अब्यूज. सेकेंड, जहाँ तक मेरा सवाल है मैं दिल्ली नहीं जा सकता. तो जहाँ तक मेरा सवाल है, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो मॉडल है, सो आई कैन नॉट विजिट टू दिल्ली. एज सिंपल एज इट. ओके, चलिए नेक्स्ट कंजक्शन देखिए, एज सून एज. एज सून एज का हिंदी मीनिंग होता है जैसे ही या ज्यो ही. ओके, कंजक्शन में अगर ऐसी वर्डिंग आती है तो वहाँ पे एज सून एज का यूज़ होगा. इसके लिए मैंने एक ही एग्जांपल लिखा है, जैसे ही उसने नदी में छलांग लगाई वह डूब कर मर गया. सो एज सून एज, जैसे ही जम्प्ड इन टू द वाटर. ही जम्प्ड यानी कि पास्ट फॉर्म आ गया है, क्योंकि लगाई, वो जंप लगा चुका है, कूद चुका है वो, तो ये पास्ट में बनेगा. एज सून एज ही जंप्ड इनटू द वाटर, वह डूब कर मर गया. ही ड्रॉन्ड, ड्रॉन्ड का मीनिंग है डूब कर मरना. ओके, मुझसे जितना हुआ मैंने आपको समझाने की कोशिश की. अगर आपको मेरी बात समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है. और अगर आपकी नज़र में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो इंग्लिश में वीक है तो उसको मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए. एंड यस, अगर मेरा वीडियो थोड़ा, मैंने शायद ये वीडियो भी मेरा उल्टा डाला हुआ है, और इससे पहले का भी एक दो वीडियो था मैंने उल्टा डाला है, तो आप मेरे उस वीडियो को ऑटो रोटेट करके देख सकते हैं. अगर आपके फ़ोन में ऑटो रोटेशन का ऑप्शन नहीं है तो यूट्यूब वीडियो के नीचे, यानी कि मेरे ही इस वीडियो के नीचे एकदम कॉर्नर में एक स्क्वायर शेप का सिंबल है, ठीक है, उस पर आप क्लिक कीजिए तो मेरा वीडियो आपको एक वाइट स्क्रीन में मिल जाएगा. ओके, चलिए, बाय बाय. अब नाउ सी यू इन अनदर वीडियो. टेक केयर.